द क्रिटिकल पेट्रियट देखने वाले सब दोस्तों को सलाम। आज मेरे साथ शरीके गुफ्तगु हैं प्रोफेसर डॉक्टर ए एच नैयर। ए एच नैयर साहब हैदराबाद दक्कन में पैदा हुए और इन्होंने इम्पीरियल कॉलेज लंदन से पीएचडी की फिज़िक्स में, और काफ़ी अरसे तक ये कायदे आज़म यूनिवर्सिटी में फिज़िक्स पढ़ाते रहे। डॉक्टर साहब, आपने पाकिस्तान की टेक्स्ट बुक्स पर बहुत काम किया है, और आपका पहला जो आर्टिकल था जो आपने लिखा डॉक्टर परवेज हुदबाई के साथ मिलकर, वो एयर मार्शल असगर खान की 1985 की किताब में शामिल हुआ, रीराइटिंग द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। तो वो कैसा तजर्बा था? उसके बाद फिर आपने सटल सबवर्जन 2003 में एक स्टडी थी अहमद सलीम साहब के साथ मिलके की, तो इन एफर्ट्स का क्या नतीजा निकला? क्या पाकिस्तान में अब सही तरीके से हिस्ट्री पढ़ाई जा रही है, या अब भी पाकिस्तान की जो किताबें हैं उनमें नफरत पाई जाती है, या कोई डिस्टॉर्शन है फैक्ट्स की? हाँ, 2005 की का जो एसे था रीराइटिंग द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, वो इस वजह से हुआ जी। 1985 का था ना ये? 1985 का जी, 1985 का। That's right. असल में उस ज़माने में ज़ियाउल हक के दौर में इस्लामाइजेशन ऑफ एजुकेशन का सिलसिला शुरू हो चुका था 1979 से। ज़ियाउल हक ने 77 में आया और 1979 में पहली एजुकेशन पॉलिसी आई जिसको ज़ियाउल हक की सोच के मुताबिक लोगों ने पेश किया, और उसके बाद ये नए निसाब बने, नई पॉलिसी बनी, बहुत सी चीज़ें हुई नई, और 1979 में जाके ये तमाम से ये चीज़ें शुरू हुई। तो इसका हमें नज़र आने लगा कि यहाँ पे पाकिस्तान को इस्लामिक कंट्री दिखाने के लिए इन्हें बड़ी शदीद ज़रूरत महसूस हो रही है कि इसकी तारीख़ को डिस्टॉर्ट किया जाए। बहुत से मुख्तलिफ तरीक़ों से तारीख़ को डिस्टॉर्ट किया गया था। उस डिस्टॉर्शन के अंदर जो एक्चुअल टसल थी मुस्लिम लीग की और कांग्रेस की, उस टसल को ख़ास तौर पे हिंदू मुस्लिम टसल बनाकर पेश किया गया, और उसमें दिखाया गया कि कैसे मुसलमानों पे हिंदुओं के मजालिम होते थे एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो हमें नज़र आया कि ये बहुत शदीद तरीके से डिस्टॉर्शन हो रही है। तो उस ज़माने में डॉक्टर परवेज खुद भाई ने इसको इनिशिएट किया था स्टडी को, मैं उनके साथ हो लिया और फिर ये स्टडी पब्लिश हो गई। हमारा पहला एक्सकर्जन था टेक्स्ट बुक्स और करिकुलम के बारे में। दूसरा जिसका आपने जिक्र किया वो था 2003 में, और उसकी सिग्निफिकेंस जो थी वो ये थी कि 2001 में 9/11 हो गया, दुनिया के अंदर एक नया दौर शुरू हुआ, दुनिया को पहली दफ़ा आगाही हुई कि देर इज़ टेररिज्म और दहशतगर्दी है और मजहबी तशद्दुद बढ़ता जा रहा है। तो उसके बारे में बहुत सी बातें कही जाती थी। सबसे पहली बात जो थी वो ये थी कि इसकी वजह हमारे दीनी मदारिस जो हैं उनका करिकुलम और उनके अंदर की पढ़ाई है, जिसमें तशद्दुद मजहबी तशद्दुद का रुझान पैदा किया जाता है और जिहादी पैदा किए जाते हैं। पार्शली वो बात दुरुस्त थी, लेकिन हमें जो नज़र आया वो ये नज़र आया कि हमारे स्कूलों का जो निसाब था और जो किताबें थीं वो उससे बहुत मुख्तलिफ नहीं थी, लिहाजा हमने उसके ऊपर फोकस किया, और हमने उस स्टडी के ज़रिए से सिर्फ इसी चीज़ को नहीं और बहुत सी खामियां थीं उनको निकाल निकाल के दिखाया। कुछ 7-8 खामियां थीं बहुत बड़ी बड़ी, हमने वो निकाल के दिखाई कि हमारे पास जो करिकुलम है वो कैसा है और निसाब कैसा है और किताबें कैसी हैं। ऐसा है कि वो स्टडी दो आदमियों की नहीं थी, ये कोई तकरीबन 30 स्कॉलर्स की थी, और ये स्कॉलर्स पूरे पाकिस्तान से हमने इकट्ठे किए थे। उनमें से कई जो थे वो बहुत लर्नड लोग थे जिन्होंने कई किताबें लिखी थी, मर्द भी थे ख़वातीन भी थीं, और उनके तमाम मजाहिब के लोग इसमें शामिल थे। हमने वो सब किताब देखने के बाद हमने किताबों को देखने के बाद उस
चीज़ों को जो हमें नज़र आती थी हमने डिटेल में लिस्ट किया कि ये जो ख़राबियाँ हैं। उसमें सबसे बड़ी ख़राबी जो थी वो ये थी कि आपका जो 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 तालीम में किताबों में ये ख़ास बात नज़र आती थी कि हर मज़मून की किताब के अंदर मज़हब इस्लाम इस्लामी दीन जो है वो शामिल था, इस्लाम की दीनी तालीमात शामिल थी। और हमने करिकुलम में जाके देखा कि ऐसा क्यों है तो मालूम हुआ कि करिकुलम के अंदर एक कोटेशन थी अबुल आला मौदूदी की, वो लिखी होती थी कि इस्लामी निज़ाम के अंदर तालीम जो है वो ऐसी होनी चाहिए कि दीन और दुनिया का फ़र्क मिट जाए, हर मौजू की तालीम जो है वो इस तरह हो कि ऐसा लगे कि जैसे ये दीन के पर्सपेक्टिव में दी जा रही है। ये बहुत सिग्निफिकेंट कोट है ये, और इसको अगर आप बेस बनाकर जो भी आप चीज़ लिखेंगे वो इंतहाई दीनी तौर पे लिखी जाएगी और उसका नतीजा वही होगा जो उस ज़माने में था। और उस ज़माने में बाकायदा हमारे यहाँ जिहाद की तालीम स्कूल के करिकुलम में दी जाती थी। आपको एक बात बताऊं कि हमने उसी रिपोर्ट में ये भी बताया लोगों को, जो उससे पहले हमारे सामने आश्कारा हो गया था, अमेरिका के ही लोगों ने आश्कार कर दिया था कि जब अफ़गानिस्तान का जिहाद शुरू हुआ तो वहाँ पे इस्लामिक जिहाद अमेरिका ने शुरू किया और अमेरिका ने अपनी एक यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का एट ओमाहा उनको ठेका दिया, वहाँ पे एक अफ़गान रिसर्च सेंटर बनाया गया था, उनको ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया कि आप नई किताबें लिखें। उन नई किताबों को उन्होंने लाकर यहाँ पे जितने अफ़गान महाजरीन थे पाकिस्तान में उनको पढ़वाया। उन किताबों में लिखा होता था कि अलिफ़ से अल्लाह और बे से बंदूक वगैरह वगैरह, और साथ में ऐसे हिसाब के सवाल होते थे कि अगर आपके पास 6 गोलियां हैं और आपने तीन उनमें से 3 गोलियों से आपने 3 रूसियों को मार दिया तो बाकी कितनी गोलियां आपके पास बची, इस किस्म के सवाल उसके अंदर काफ़ी थे। और ये तमाम चीज़ें यूनिवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का एट ओमाहा के अंदर तैयार करके यहाँ पे लाई गई थी। अच्छा, ये बात जो थी यहाँ के जो इस्लाम पसंद थे जो ज़माने में हमारी तालीम को रिवाज दे रहे थे उनको भी बड़ी पसंद आई, तो उन्होंने भी ऐसी चीज़ें बहुत सी शामिल कर दी। हिसाब की किताबों में लिखा होता था कि अगर जैद जो है वो उसके पास इतने रुपए हैं, इतने रुपए जो है उसमें ज़कात दे दी, इतने रुपए किसी मदरसे को दे दिए, इतने रुपए सदका कर दिया, इतने रुपए का बकरा ख़रीद के सदका कर दिया वगैरह वगैरह, तो आप बताइए कि उसके पास कितने पैसे बचे। इस किस्म की चीज़ें जो थी वहाँ पर आने लगी थी। और उसके साथ साथ तारीख को मस्ख करने की जो रिवायत हमने 1985 में देखी थी वो बहुत शिद्दत से के साथ थी, जिसमें हिंदुस्तान पाकिस्तान का बनना जो है वो इस कॉन्टेक्स्ट पे दिखाया जाता था कि पाकिस्तान बनने के पीछे यही सारी ख्वाहिश थी तमाम लोगों की कि यहाँ पे एक इस्लामी मुमलकत बने। और जिना का जो स्टेटमेंट था जो कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली को 11 अगस्त 1947 का, उसको बिल्कुल ब्लैक आउट किया हुआ था, किसी को मालूम नहीं था उसके बारे में। और ये कहा जाता था कि जिना का जो उन्होंने बनाया था पूरा पर्सनालिटी दिखाई थी उसके अंदर, वो ये थी कि जिना बहुत मजहबी परहेजगार थे, रातों के मसल्ला बिछा के नमाजें पढ़ते रहते थे और रो रो के गिड़गिड़ा के अल्लाह में से दुआ करते थे कि वो कामयाब हो जाएँ वगैरह वगैरह। तो ये सब बातें जो थी वो उनके अंदर मौजूद थी, हम लोगों ने उन चीज़ों को पॉइंट आउट किया। उनके अलावा और बहुत सी चीज़ें थी, दीनी तालीमात का जो आंसर था इसमें उसके अलावा और कई चीज़ें भी थी। मिसाल के तौर पे जिहाद और शहादत को बहुत तारीफ की गई थी, उसको बहुत उछाला गया था और बताया गया था कि ये सबक थे बाकायदा कि जिहाद के अंदर आम लोग कैसे शरीक हो सकते हैं, अगर वो लड़ने के लिए नहीं जा सकते तो वो क्या क्या करें
कि वो जिहाद में शरीक हो सकें, अपना पैसा कहाँ दें, जिहाद से आने वालों की क्या खिदमत करें, जिहाद के शहदा आएँ उनके घरों की कैसी देखभाल करें, वगैरह वगैरह पूरी तफसील से था। और जिहाद के बारे में कुरान शरीफ से निकाल कर कुछ सूरतें इसकी जो थी वो दिखाई गई थी, रखी गई थी, जो बच्चों को तर्जुमे के साथ पढ़ाई जाती थी। आपको याद होगा कि 2003 के बाद जब हमारी रिपोर्ट आई और उसके बाद थोड़ा तूफान उठा, तो एक बात जो हमारी हुकूमत ने की, उस वक्त की हुकूमत ने, वो ये किया कि उनके पास चलती थी सूरह तौबा, उन्होंने निकाल कर सूरह अनफाल डाल दी, या वाइस वर्सा, मुझे याद नहीं। तो इसके ऊपर तूफान मच गया कि जी उस जिसको निकाला है उसके अंदर जिहाद का जिक्र ज़्यादा था, ज़्यादा ओपन था, आपने जिसको डाला है उसके अंदर कम है। तो हमारी वज़ीर तालीम ज़ुबैदा जलाल होती थी, वो बहुत परेशान हो गई, वो नर्वस हो गई। उन्होंने कहा, अरे आप मुझ पर इल्ज़ाम मत धरिए, मैं तो आपसे ज़्यादा जिहाद को पसंद करती हूँ। और उसके साथ साथ उन्होंने ये कहा कि नहीं, अनफाल के अंदर भी उतना ही कुछ है जितना तौबा के अंदर है, वगैरह वगैरह। ये बात होती थी कि आप जिहाद को कैसे प्रमोट करेंगे। अब ज़ाहिर है एक पूरी नस्ल उसके ऊपर 1979-80 के बाद से 2000 तक आप समझ लें कि आपकी दो नस्लें, दो दिहाइयाँ गुजर गई उस करिकुलम के साथ पढ़ते हुए, तो इसका असर तो तमाम तालिबे इल्मों के ऊपर होना था। वो जो तशद्दुद था, मजहबी तशद्दुद था, वो एक बिल्कुल एक्सेप्टेबल चीज़ हो गई थी माशरे के लिए। और साथ ही साथ जो ये तमाम चीज़ें थी, जो जिहाद वगैरह किस्म की चीज़ें थी, वो उसको वो नहायत ज़रूरी ख्याल करते थे। यही वजह है कि आप देखें कि यहाँ से जो लोग जिहाद के लिए जाने वाले थे 2001 से बहुत पहले भी, आपको याद होगा कि जब बोस्निया के अंदर लड़ाई हो रही थी बोस्निया और सर्बिया के दरमियान में, तो उस वक्त पाकिस्तान के बहुत से नौजवान, पढ़े लिखे नौजवान, यूनिवर्सिटियों के नौजवान जो यूरोप में यूनिवर्सिटियों में पढ़ते थे, वो वहाँ से निकल के वहाँ लड़ने के लिए चले गए थे कि हमारे मुसलमान भाई उसमें हैं और हम जिहाद करने जा रहे हैं। तो ये बात जो है ये यहाँ पर भी थी, उसकी वजह से बहुत पढ़े लिखे लोग जो अच्छे खासे प्रोफेशनल थे वो भी जिहाद में चले गए थे। हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर ऐसे टीचर थे जिनके बच्चे जिहाद में शामिल हुए थे, कुछ में से कुछ शहीद भी हुए। तो ये बात है, ये दो दहाइयों तक इस तालीम ने उन पर असरात डाले थे। और उसके बाद उसकी वजह से एक नफ़रतों का मवाद था जो उनके सामने किताबों में था मौजूद, और उस नफ़रत का निशाना हिंदुस्तान बनता था और हिंदू बनते थे, वो एक चीज़ थी। जी अच्छा, सॉरी फॉर इंटरप्शन, मैं कल एक जर्नलिस्ट दोस्त से बात कर रहा था जिन्होंने टेक्स्ट बुक्स पे भी काफ़ी काम किया है, तो वो बता रहे थे कि लाहौर में एक साहब हैं जो 22-23 साल तक टेक्स्ट बुक्स लिखते रहे, और उनसे मैंने ये पूछा कि आपने जो किताबें लिखी हैं उनमें से कितने यानी लेसन ऐसे होंगे जिनमें हिंदुओं के खिलाफ नफरत पाई जाती है, तो उन्होंने एक्सेप्ट किया कि जी 12 के करीब ऐसे लेसन्स हैं जिसमें हिंदुओं के ख़िलाफ़ नफ़रत पाई जाती है। तो इन्होंने पूछा उनसे, अहमद एजाज नाम है इनका, इस्लामाबाद में काम करते हैं वो, तो इन्होंने कहा जी क्यों आपने ये ऐसा किया, कहने लगे कि जी मुझे तो मिल जाती हैं चीज़ें बनी बनाई इस्लामाबाद से, मसलन दो लेसन होंगे उसमें से हमें सिर्फ ये चॉइस दिया जाता है कि एक लेसन जो आपको ज़्यादा बेहतर लगता है वो शामिल कर लें, और इस तरह से हम सिर्फ अपना नाम उसके ऊपर लिख देते हैं और इससे ज़्यादा हमारे पास इख्तियार नहीं होता। उन्होंने एक मिसाल दी कि एक दफ़ा हमने अपना इख्तियार इस्तेमाल किया और शिबली नौमानी का एक आर्टिकल शामिल कर दिया, एक उनकी किताब है अल फारूक, सेकंड कैलिफ पे लिखी हुई है, उसका एक इकतबास शामिल कर दिया, तो उस पर इतना तूफान मचा। काजी हुसैन अहमद जो जमात इस्लामी के अमीर थे, उनकी बेटी ने उनके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हालांकि वो ख़ुद भी बड़े मजहबी आदमी थे जो किताबें लिखते थे, और उनको मुसीबत पड़ गई, पुलिस उनको गिरफ़्तार करके ले गई। उसके बाद जो है वो पुलिस वाले ढूंढते रहे, इन्होंने कहा जी ये तो शिबली नुमानी का है मज़मून, तो वो ढूंढ रहे थे कि शिबली नुमानी कौन है, उनको ये पता नहीं था कि शिबली नुमानी साहब की तो 80-90 साल पहले डेथ हो चुकी है,
तो इस तरह की चीजें भी हमारे यहाँ देखने में आई हैं। तो सर आपके जो एफर्ट्स थी, आप कितने फीसद कामयाब हुए इन इन एफर्ट्स में कि टेक्स्ट बुक से नफरत निकाली जाए और नफरत के बजाय उसमें टॉलरेंस हो, उसमें ब्रदरहुड हो, ये चीजें हों उसमें? देखिए, जो रिपोर्ट थी जिस सबवर्जन, वो काफ़ी नतीजा खेज साबित हुई। मेरे ख्याल में इससे पहले काफ़ी कई लोग उसके बारे उन चीज़ों के बारे में लिखते रहे। उसका असर ये हुआ कि दुनिया जहां में काफ़ी तूफान मच गया। लोगों ने कहा अमेरिका से और जगह जगह से कि आप क्या कर रहे हैं, ये आपके पास ऐसी स्कूल की एजुकेशन जो है वो जिहादी पैदा कर रही है और एक्सट्रीमिज्म पैदा कर रही है। इस पर मुशर्रफ पे को होश आया और जनरल मुशर्रफ ने फिर, और मैं समझता ये हूँ कि ये हमारी रिपोर्ट की वजह से ही था, कि जनरल मुशर्रफ ने फिर बाद में इसके ऊपर उन्होंने तीन कमेटियाँ बनाई, जिन में से एक का काम था कि नई एजुकेशन पॉलिसी बनाए, दूसरी का काम था कि नया करिकुलम बनाए बिल्कुल, और तीसरी का काम था कि नई टेक्स्ट बुक्स पॉलिसी बनाए। ये चीज़ें जो थी वो बनती रही। पहले पॉलिसी जो है वो थोड़ी सी उसमें बुनियादी खराबी पैदा हो गई। एक बहुत अच्छे साहब थे जिनका अनफॉर्चुनेटली इस कोविड में इंतकाल हो गया, अपनी बहुत बड़ी उम्र के नहीं थे, ब्यूरोक्रेट थे लेकिन सेक्रेटरी एजुकेशन थे उस ज़माने में। तो उनके जिम्मे ये काम लगाया गया था कि वो एजुकेशन पॉलिसी बनाए। उन्होंने बहुत बहुत अच्छी तरीके से बनाया था, लेकिन आखिर में उसमें जोर लगाकर ऐसे इन्फ्लुएंसेस शामिल करने की कोशिश की गई थी मुशर्रफ के दौर में भी, कि उन्होंने फिर छोड़ दिया उसको। तो वो उनका एक मशहूर वाइट पेपर है हमारे लिटरेचर का हिस्सा, जो बड़ा मशहूर है। उसके बाद फिर करिकुलम बन गया। करिकुलम बनाने वाले लोग बहुत अच्छे थे। उन्होंने पहली मर्तबा करिकुलम को बहुत प्रोफेशनल अंदाज में बनाया, और जो मोस्ट मॉडर्न तरीका होता है कि आप कॉम्पिटेंसीज को इन्यूमरेट करें, आप उनके स्टैंडर्ड्स बनाएं कि क्या 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 स्टैंडर्ड किस किस मौके पे होने चाहिए, किस किस लेवल पे होने चाहिए, और फिर स्टैंडर्ड्स के वास्ते आप बेंच मार्क्स बनाएं कि ये बेंच मार्क्स हैं, और उसके बाद फिर वो कहते हैं कि अच्छा अब स्टूडेंट्स लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या होने चाहिए वो बनाए जाए। तो ये पहली मर्तबा हुआ और इसकी वजह से एक डायरेक्शन मिली। और अब जो इस वक्त जो करिकुलम बना है उसके अंदर एग्जैक्टली यही तमाम चीज़ें हैं, इस वजह से कि ये करिकुलम जो है वो एक 90% चरबा है 2006 के निसाब का। इस वजह से आप डॉक्टर साहब, ये जी जो इमरान खान की गवर्नमेंट ने जो किया है सिंगल नेशनल करिकुलम, इसकी बात कर रहे हैं? मैं इसको बता रहा हूँ कि इसकी बात कर रहा हूँ कि ये जो है ये 2006 के का जो करिकुलम अच्छा सा बनाया था उसका। अच्छा, मुशर्रफ को वक्त नहीं मिला। 2007 में आपको याद है कि वकला की तहरीक शुरू हो गई, उसी दौरान ये लाल मस्जिद का वाक़या हुआ, अच्छा खासा हिला देने वाला वाक़या वो। अच्छा, उसके बाद 2008 तक मुशर्रफ बिल्कुल उनकी जड़ें हिल चुकी थी, और मुशर्रफ जो थे वो अपने उनका वो ही डिजाइड लेफ्ट। उसके बाद फिर इलेक्शन हुए। इलेक्शन के बाद जब जोर ज़्यादा था पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट का कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को बहाल करवाया जाए, तो 2010 में वो कामयाब हुए, 18th अमेंडमेंट लेकर आए। 18th अमेंडमेंट बहुत रिमार्केबल अमेंडमेंट है कई लिहाज से। तो उसमें एक उसका एक इम्पोर्टेंट सेक्शन जो था वो ये था कि एजुकेशन को प्रोविंसेस के अंदर भेज दिया, तमाम चीज़ों को इंक्लूडिंग दी मेकिंग ऑफ करिकुलम। तो उसके बाद करिकुलम बनते बनते उनके कई सूबों के पास सलाहियत नहीं थी कि करिकुलम बनाए। उन्होंने वही जो सेंटर में करिकुलम बना हुआ था उसको उन्होंने इख्तियार कर लिया। कुछ के पास सलाहियतें थी उन्होंने उन्होंने बना लिया। वो होते होते 2012 से किताबें आनी शुरू हुई, और उसके बाद फिर कुछ और वाक़यात ऐसे इंटरेस्टिंग हुए कि कैसे जिससे वाज़ाहिर हुआ साबित हुआ कि एजुकेशन का मैदान जो है वो आइडियोलॉजिकल बैटल फील्ड है, यहाँ पे आइडियोलॉजी की तलवारें जो हैं खनकती हैं। खैर, एनीवे
वो ख़त्म हो गया तो उसके बाद से लोग जो थे वापस उसी पे चले गए थे। जब हमारे ये पीटीआई की हुकूमत यहाँ पे आई तो उन्होंने चार चीज़ों को कहा कि ये हमारा फोकस होना चाहिए। पहला था कि तमाम जितने स्कूल से बाहर लोग हैं वो वापस आएँ, जो 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 स्कूल से बाहर हैं, 16 साल की उम्र तक के बच्चे जो हैं, 5 से 16 साल के जो उम्र के बच्चे हैं, उनमें वो जो स्कूलों से बाहर हैं वो स्कूलों में उनको वापस लाया जाए। दूसरा जो अब जो तकरीबन 22 लाख हैं, 20-22 लाख हैं वो, अभी पंजाब का जो वज़ीर है मुराद रास नाम है उनका शायद, उन्होंने अभी एक बोंगी मारी है कि ये गलत कहते हैं, ये बहुत एग्जेजरेटेड है, 22 लाख नहीं हैं, सिर्फ कोई 7 लाख के करीब हैं, और इस तरह उन्होंने अपना जो काम है उसको घटा दिया और अपना काम वो करके पूरा करके दिखा देंगे। एक ये था, दूसरा ये था, सॉरी फॉर इंटरप्शन सर, ये जो स्कूल से बाहर बच्चे हैं उनकी तो तादाद बहुत ज्यादा बताई जाती है, 25 मिलियन, यानी 2.5 करोड़ नहीं बनता वो क्या? हाँ, मैं आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, मैं असल में गलत कह रहा हूँ, लाख लफ्ज़ में इस्तेमाल गलत कर रहा हूँ, मिलियन कहना चाहिए, मैं गलत कह रहा था, आप सही कह रहे हैं, 22-23 मिलियन लोग कहते हैं, और ये बाकायदा मतलब बाकायदा मेजर चीज़ है ये, जबकि मुराद रास कह रहा था कि 7 मिलियन है सर, तो मेरा ख्याल है कि वो गलत कह रहा था। जो बात है वो ये कि उन्होंने कहा कि ये इनको वापस लाना है। दूसरा ये था, उन्होंने कहा कि यकसां निज़ाम तालीम होना चाहिए, तो यकसां निज़ाम तालीम का मतलब ये हुआ कि सबको एक जैसी तालीम मिले, इसमें ऐसा ना हो कि किसी को ख़राब दर्जे की तालीम मिल रही हो, किसी को बहुत अच्छी तालीम मिल रही हो, कोई तालीम हासिल करने के बाद बहुत कॉम्पिटेंट हो जाता हो और दूसरा तालीम मुकम्मल करने के बाद भी कॉम्पिटेंसीज उसकी बहुत कम रह जाती हो, ये ना हो, अच्छा हो। अच्छा, हम बहुत खुश हुए, हमने कहा ये तो बड़ी अच्छी बात है। तीसरी बात उन्होंने की थी कि टेक्निकल एजुकेशन, टेक्निकल वोकेशनल एजुकेशन हो वगैरह। अब उसके बाद जब ये हुकूमत में आके बैठे तो उनको ये नज़र आया कि तीन जो और चीज़ें हैं, चाहे था क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को इम्प्रूव करना, कि तीन चीज़ें जो हैं इनके ऊपर तो बहुत पैसा लगेगा, और हमारे जो हमारा जो नॉर्म है कि हम GDP का 2-2.5% हम खर्च करते हैं एजुकेशन पे, वो तो उसके अंदर तो ये काम नहीं हो सकता, तो फिर वो फिसल गए। और फिसल के उन्होंने कहा कि हम चलें एक सिर्फ यूनिफॉर्म करिकुलम के ऊपर हम बात करते हैं। कुछ देर के बाद ख्याल आया कि यूनिफॉर्म करिकुलम जो है ये तो सबके लिए करना जो है वो, तो उन्होंने यूनिफॉर्म एजुकेशन पे कर लेते हैं, यूनिफॉर्म एजुकेशन जो है वो भी बहुत मुश्किल होगी, तो उसको घटा के उन्होंने यूनिफॉर्म करिकुलम कर दिया। अब यूनिफॉर्म करिकुलम का नया नाम जो है सिंगल नेशनल करिकुलम है, वही यूनिफॉर्म करिकुलम। इसके अंदर जैसे मैंने बताया कि 90% तो वही है 2006 का करिकुलम, बस ये है कि इन्होंने जो समझते हैं कि इनका जो बड़ा कारनामा है वो ये है कि इन्होंने मदरस को राज़ी किया है कि वो जो नॉर्मल स्कूल्स के जो करिकुलम हैं, जो किताबें हैं, उनको फॉलो करेंगे, उनको पढ़ाएंगे बच्चों को। इनको ये मालूम नहीं था कि ये काम जो है ये तो मुशर्रफ के ज़माने से हो गया था, इनको ये मालूम नहीं था और इनको किसी ने बताया भी नहीं। तो मुशर्रफ के ज़माने में आपको याद होगा एक डॉक्टर महमूद गाजी होते थे, मुशर्रफ ने उनको काम पर लगाया कि आप मदरसा एजुकेशन को की रिफॉर्म करें। उस रिफॉर्म में उन्होंने ये कहा था, मनवाया था मदारिस से कि आप ये किताबें हमारे जो करिकुलम की होती हैं ये पढ़ाएंगे, कंटेम्प्रेरी सब्जेक्ट्स जो हैं वो पढ़ाएंगे पुराने दीनी मजामीन के अलावा। वो राज़ी हो गए थे, और अगर अभी भी आप जाके देखें, तमाम अब से क्या साल भर पहले भी आप देखते तो आपको नज़र आता कि उनकी वेबसाइट्स के ऊपर जितने हमारे वफाक हैं दीनी मदारिस के, उनकी वेबसाइट्स के ऊपर उनके करिकुलम दिए हुए हैं, उनमें सब में ये लिखा होता कि वो किताबें जो 7वीं जमात में स्कूलों में पढ़ रहे हैं वही वो 7वीं जमात के अपने जो इक्विवेलेंट है उसमें वो यहाँ पढ़ा रहे हैं मदारिस में वगैरह वगैरह।
और जो 10वीं की है वो 10वीं में पढ़ा रहे हैं वगैरह, ये सब उनके पास है, लेकिन वो इम्तिहान वो अपना खुद देते थे और उस इम्तिहान का तरीका उनका जो था वो ठीक नहीं था। इस वास्ते वो एक किस्म का गैर क्या गैर संजीदा एक अडॉप्शन था उसका, तो वो उसका फ़ायदा नहीं था। अब ये कहने लगे कि हमने ये इनसे वादा किया है कि ये अब बोर्ड के इम्तिहान देंगे, न सिर्फ ये कि ये पढ़ाएंगे बल्कि बोर्ड के हमारे जो नॉर्मल बोर्ड हैं उनके इम्तिहान भी देंगे। आप ये देख लेंगे कि यही जो मदारिस हैं ये आखिर में जा जब वक्त आएगा बोर्ड के इम्तिहानों का तो उस वक्त ये कहेंगे कि जी जिस तरह आपके बोर्ड हैं वैसे हमारे भी बोर्ड हैं, उनका नाम है वफाक, हमारे भी बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशंस है, अगर आप वहाँ पे इम्तिहान ले सकते हैं हम भी यहाँ पे इम्तिहान ले सकते हैं, आप कौन से ऐसे बेहतर हैं। लिहाजा होगा ये कि परनाला जो है वहीं गिरेगा जहाँ पहले गिर रहा था। तो मैं ये समझता हूँ कि ये इनका एक बहुत नाकाम तजुर्बा है जो उन्होंने किया है मदारिस को मनाने के लिए। वो ये किया कि मदारिस ने कहा कि अच्छा आप ऐसा कीजिए कि मदारिस जिस अंदाज में कुरान शरीफ की तालीम देते हैं वो आप स्कूलों में मुतारिफ करवा दीजिए। तो स्कूलों में उन्होंने वो पूरा का पूरा मुतारिफ करवा दिया। आप स्कूलों के अंदर ये आलम है कि यहाँ पे, और ये इसके लिए जनाब आप अंदाज़ा करें कि यके बाद इतना इतना इंतजियाज़म था इसके अंदर कि यके बाद दीगरे चार पांच चीज़ें हुई हैं, उनको मैं बता दूँ ज़रा क्या क्या हुई हैं। किसी साहब ने खड़े होकर असम्बली के सेशन में कह दिया कि जी मैं रेजोल्यूशन पेश कर दिया या एक बिल पेश कर दिया, प्राइवेट मेंबर बिल, कि जी कुरान शरीफ की तालीम जो है वो शुरू से आखिर तक पढ़ाई जाए तमाम स्कूलों में, तो वहाँ पे किसी ने एतराज़ नहीं किया, वो मान लिया, तो कुरान शरीफ के नाजरा की तालीम जो है वो पकी हुई। एक और साहब बाद में कुछ अरसे के बाद खड़े हुए, उन्होंने कहा जी नाजरा के अलावा कुरान पाक की तालीम जो है वो तर्जुमे के साथ छठी जमात से दसवीं जमात बारहवीं जमात तक होनी चाहिए, उसकी भी किसी ने मुखालफत नहीं की, वो भी हो गया। उसके बाद पंजाब के गवर्नर साहब को जोश चढ़ा, उन्होंने कहा कि नहीं ये कुरान शरीफ की तालीम जो है वो स्कूलों में ही नहीं यूनिवर्सिटियों में भी होनी चाहिए, पीएचडी तक होनी चाहिए। वो उन्होंने कोई असम्बली में थे नहीं, उन्होंने एक ऑर्डिनेंस नाफिज कर दिया और वो ऑर्डिनेंस जो है वो बाद में बिल बन के पास भी हो गया। अच्छा सर, हमारे सॉरी, एक मिनट, और हमारे जो वजीर आजम थे उनको जोश चढ़ा, उन्होंने कहा कि जी हर स्कूल के अंदर सीरत नबी ज़रूर पढ़ानी चाहिए, लिहाजा सीरत नबी भी आ गई। तब आप देख लीजिए कि ये एक इंतज़ियाज़म जो है 6 महीने के अंदर अंदर ये तमाम चीज़ें हुई, तो ये रिलीजियस इंतज़ियाज़म जिसे कहते हैं ना उसके तहत ये तमाम चीज़ें हुई। चलिए आप सवाल कर रहे हैं जी। अच्छा, एक तो सर मैं दोस्तों को ये बताना चाहता हूँ, ये जो आपकी स्टडी है द सटल सबवर्जन जी, ये इस्लामाबाद का एक थिंक टैंक है SDPI, और ये पाकिस्तान का सबसे अच्छा थिंक टैंक समझा जाता है, उनकी वेबसाइट पे ये मौजूद है। और दूसरा सर मैं वाकया सुनाना चाह रहा था कि प्रोफेसर परवेज हुद भाई जो आपके कोलीग थे कायदे आज़म यूनिवर्सिटी में, उन्होंने गवर्नर पंजाब जो हैं मोहम्मद सरवर उनसे वक्त लिया कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, तो वो उनसे मिलने गए और उनसे पूछा कि ये आपने जो तर्जुमे के साथ कुरान जो है ये लाजमी किया है, इसका क्या फ़ायदा होगा, कि एक साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी आपने कर दिया, जो फिज़िक्स पढ़ेंगे वो भी करेंगे, तो उस पे जो है ना गुलाम अपना सरवर साहब कहने लगे परवेज साहब से कि क्या आप कभी मुल्क से बाहर गए हैं, तो परवेज साहब ने कहा हाँ गया तो हूँ, तो कहते हैं आप अगर गए होते तो आपको पता चलता कि अरबी कितनी इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज है और इससे हमारे नौजवानों के लिए अपॉर्चुनिटी जॉब अपॉर्चुनिटी इतनी ज़्यादा खुलेंगी कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। तो ये हमारे गवर्नर साहब का लेवल है कि वो मुल्क के सबसे एक पब्लिक इंटेलेक्चुअल, सबसे प्रोमिनेंट पब्लिक इंटेलेक्चुअल को नहीं जानते, और ना उनके स्टाफ ने ये ज़रूरत समझी कि उनको ब्रीफ कर दें कि आपसे जो बंदा मिलने आ रहा है वो कौन है। जी सर, मैं आपने मुझे याद दिला दिया, जो मैं बहुत सी चीज़ें गिन रहा था ना कि नाजरा तर्जुमा और नसीरतुलनबी और आखिर तक वगैरह वगैरह, उसमें एक चीज़ मेरी रह गई थी। वहीं पे असेंबली के अंदर खड़े हुए किसी शख्स ने, किसी मेंबर ने
एक और बिल भी पेश कर दिया कि अरबी ज़बान की तालीम लाजमी करार दी जाए, और उसने वहाँ पर ये वजह बताई कि अरबी ज़बान जो है कोई तालीम हासिल करने के बाद नंबर एक वो कुरान को बेहतर समझ सकेंगे, नंबर दो उनको मिडल ईस्ट में नौकरियाँ मिल जाएंगी सबको। अच्छा ये एक इंतहाई अहमकाना, पहली बात तो ठीक है कि उनको कुरान शरीफ की, पहली बात तो है वो ये, मेरे ख्याल में जो लोग अरबस्तान जा चुके हैं वो हमारे सामने बताते हैं, मैं तो नहीं गया कभी, वो बताते हैं कि जो अरबी ज़बान आजकल अरबस्तान में बोली जाती है आम तौर पे आम गुफ्तगू में, वो कुरान शरीफ की ज़बान नहीं है। कुरान शरीफ की ज़बान बहुत क्लासिकल ज़बान है, तो सिर्फ उसको जानकर आप कुरान शरीफ को नहीं अच्छी तरह समझ सकते। दूसरी बात जो है वो ये है कि कुरान शरीफ को समझने की कोशिश जो है न जाने कितने मुफस्सरों ने की है, बड़े बड़े जैद आलिम जिनको हम मुफस्सरीन कहते हैं, जिनकी किताबें जो लोग पढ़ते हैं, वो एक एक चीज़ को समझने के वास्ते बहुत तफसील से बैकग्राउंड में जाके निकाल के लाते हैं कि क्या इसका मतलब है। तो ये जो सब समझते हैं कि उसका अरबी ज़बान पढ़ने से ये आ जाएगा, ये नहीं होगा। और अगर आप मिडल ईस्ट में भेज के बस आप अपनी मैन पावर को एक्सपोर्ट करना ही आपके जहन में एक काम रह गया है। मेरा ख्याल में सर्वर जो है ये एक बहुत छोटे जहन के आदमी हैं, छोटा सा कारोबार इनका था इंग्लैंड में, तो इस वास्ते इनके अंदर कोई बहुत बड़ी वो नहीं है, जिसे कहते हैं ना जो हाकिमाना जो एक समझ बूझ होती है वो इनके अंदर नहीं है, वो ऐसे सर्वर साहब जो है ना ये स्कॉटलैंड में थे वहाँ, और इनका ताल्लुक बेसिकली जो है ना टोबा टेक सिंह से है, पीर महल एक इलाका है वहाँ से है, और ये वहाँ ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर भी रहे हैं। हाँ, इसके बावजूद जो है उनका विजन जो है वो काफी नैरो लगता है। बताइएगा कि आपने जैसे बताया कि आप जो है हैदराबाद दक्कन में पैदा हुए थे, अभी भी आपकी एक बहन वहाँ रहती हैं, तो आप वहाँ गए भी थे 2004 में गलबन, तो आप इंडिया और पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम को कैसे देखते हैं, ख़ास तौर पे साइंस की जो एजुकेशन है इंडिया में क्या पोजीशन है साइंस टेक्नोलॉजी की, और पाकिस्तान में क्या पोजीशन है? भाई इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है, वहाँ पे तालिब इल्म जो है वो बहुत फैले हुए हैं, उनमें आपको शायद ऐसी जगह पे भी मिले, ऐसे भी लोग जगह जगह मिले जहाँ पे तालीम का मेयार अच्छा ना हो, वैसा ही हो जैसे हमारा है, लेकिन उमूमी तौर पे उनका मेयार हमसे बहुत बहुत आगे है। एक बात मैं आपको बताऊँ कि जब आप अमेरिका की यूनिवर्सिटियों में जाते हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में जो उनके एलीट नहीं करना चाहिए, उनकी जो आईवी लीग यूनिवर्सिटीज़ हैं, बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़, उन पर जाते हैं आप, MIT, कैलटेक, प्रिंसटन, येल वगैरह वगैरह, ऐसी तमाम यूनिवर्सिटियों में, तो आपको वहाँ जो तालिब इल्म नज़र आते हैं ग्रेजुएट स्टूडेंट्स रिसर्च में, सबसे ज़्यादा चीनी, उसके बाद हिंदुस्तानी, उसके बाद ईरानी गैर मुल्की तालिब इल्म सबसे ज़्यादा ये नज़र आते हैं, और पाकिस्तानी इक्का दुक्का नज़र आते हैं, बहुत मुश्किल से नज़र आते हैं। हालांकि अब हमारे एक बहुत मैं जो मेरा ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि बहुत से पाकिस्तानी वहाँ फैकल्टी में भी हैं, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटियों में भी हैं, एक पाकिस्तानी जो है जिनको यहाँ पे इकोनॉमिस्ट आतिफ मियाँ प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में बहुत ही बड़ी पोजीशन पे हैं, एक और पाकिस्तानी हमारे कायद आज़म यूनिवर्सिटी के कासिम जमान वहाँ पे प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में एक बहुत बड़े प्रोफेसर हैं, हिस्टोरियन है वो, तो ये वही जो जमान साहब के बेटे कासिम जमान, मेरे ख्याल में आप जानते होंगे, मैं जानता हूं, वो आपके साथ पढ़ते रहे होंगे, तो वो बहुत बड़े प्रोफेसर हैं, उनकी पास बहुत बड़ी चेयर है वगैरह, तो ये भी होने के बावजूद भी जो तालिब इल्मों में आप देखते हैं तो आपको बहुत कम नज़र आते हैं, और उनके यहाँ शर्त होती है वो ये होती है कि आप GRE पास कर लें, और GRE सब्जेक्ट का अगर आप अच्छा पास कर लेते हैं, आपका स्कोर एक ख़ास लेवल से ऊपर हो जाता है, तो हर यूनिवर्सिटी दूसरी यूनिवर्सिटी से सबकत ले जाने की कोशिश करती है आपको अपने पास बुलाने के लिए, ये उनका ख़ास इम्तियाज़ है, वो ये करते हैं काम। और ये आपको बता दूं मैं कि चीन बहुत
चीन की एजुकेशन जो थी कल्चर रिवॉल्यूशन तक बहुत ख़राब हो चुकी थी। वहाँ की एजुकेशन कल्चर रिवॉल्यूशन ने ख़ासतौर पे एजुकेशन को बहुत ख़राब किया था। उसके बाद से इन्होंने तकरीबन ज़ीरो से शुरू किया स्कूल की एजुकेशन को दोबारा लेकर चले, और चलते चलते 80 की दहाई में भी अभी वो इल्म हासिल करने की तरफ थे। 90 तक पहुँचते पहुँचते वो इल्म के बड़े प्रोड्यूसर बन गए थे। इस तरीके से उन्होंने दहाइयों की में जो जंप लगाई है अपनी, वो बहुत बड़े बड़े मरहले उन्होंने तय किए हैं। हिंदुस्तान की आप बात पूछ रहे थे, हिंदुस्तान जो है वहाँ पे बहुत आला दर्जे के इंस्टीट्यूशंस हैं, बहुत आला दर्जे के इंस्टीट्यूशन हैं। वहाँ के जो साइंसदान काम करने वाले हैं वो अपनी जगह पे बहुत आला दर्जे के हैं। आप उनकी उनकी तैयारी बहुत अच्छी होती है। एक बात देखिए कि हिंदुस्तान में और हिंदुओं में ख़ास तौर पर तालीम का रुझान मुसलमानों से बहुत पहले से था। 19वीं सदी के तकरीबन शुरू की 2-3 दहाइयों से उनके अंदर ये रुझान, जब से अंग्रेज़ों ने वहाँ पे अपने इंस्टीट्यूशंस बनाए हिंदुस्तान में, मद्रास में बनाया, कलकत्ता में बनाया, वगैरह दिल्ली में बनाया, उसमें हिंदुओं ने बहुत तेज़ी के साथ पढ़ना शुरू कर दिया, और वहीं पर बाद में रह के उन्होंने औरों को पढ़ाना शुरू कर दिया। लिहाजा सर सी वी रामन को नोबेल प्राइज़ मिला था 30s के अंदर। देखें ज़रा आप, वो इतने काम कर चुके थे, 30s तक इनको मिल गया। और रामानुजन का नाम जो है वो मैथमेटिक्स में अभी तक इतने एहतराम से लिया जाता है, जो किसी यूनिवर्सिटी में भी नहीं पढ़ा और उसके बावजूद वो इतना ज़हीन मैथमेटिशन था कि दुनिया के आला तरीन मैथमेटिशन से शुमार होता है। ये उस माहौल की पैदावार हैं जो इसके लिए बनी थी। इसी वजह से सर सैद ये कहते थे मुसलमानों को कि जाग जाओ, लोग तुमसे बहुत आगे निकल रहे हैं, अगर तुमने तालीम हासिल नहीं की तो तुम्हारी हैसियत, तुम जो है वो इस माशरे के सक्का, बहिश्ती, मोची, चमार, इस किस्म के तमाम होके रह जाओगे, तुम इससे आगे नहीं बढ़ पाओगे, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। तो उन्होंने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बनाए, मुसलमानों को पढ़ाया वगैरह वगैरह, लेकिन वो जो वहाँ पे जो बुनियाद उस ज़माने में रखी गई वो इतनी मजबूत है, इतनी अच्छी है कि बहुत से इंडिया के इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं कि गैर मुल्की लोग आकर वहाँ पे साल हर साल बसर करना बेहतर समझ पसंद करते हैं, क्योंकि वहाँ उनको आइडियाज़ भी मिलते हैं, कॉम्पिटेंट लोग भी मिलते हैं और काम भी अच्छा करते हैं। अच्छा सर, आपने जो कहा ना कि मुसलमानों में तालीम का रुझान कम था, एक तो हमारा मजहबी तबका था वो यही समझता था कि जो स्कूल कॉलेज जाएगा वो गुमराह हो जाएगा, मुल्हिद हो जाएगा। इवन जो हमारे जदीद तालीम याफ्ता लोग भी थे, अकबर अलाबादी जैसे, इवन इकबाल जैसे, उन्होंने भी ये कहा, उनका मजाक उड़ाया तालीम का, और इकबाल ने कहा था कि हमें क्या मालूम था कि तालीम के साथ साथ इल्हाद भी आ जाएगा, यानी एथियज़म भी आ जाएगा उसके साथ साथ। इस हद तक जो है हमारे जो जदीद तालीम याफ्ता लोग थे, इस हद तक जो है वो खिलाफ थे मॉडर्न एजुकेशन के। तो अच्छा सर, ये बताइएगा कि अभी जो है अगर आप कंपेयर करें कि पाकिस्तान को आप कितने नंबर देंगे 100 में से साइंस और टेक्नोलॉजी की एजुकेशन के लिहाज से, साइंटिस्ट का जो पूल है उसके लिहाज से, और इंडिया को कितने नंबर देंगे 100 में से? मेरा ख्याल ये है कि इंडिया जो है वो बहुत से यूरोपीय ममालिक से भी आगे है। चीन बहुत तेज़ी से जखंदे भरता हुआ आगे निकल गया है, लेकिन उसके बावजूद जो क्वालिटी है जिस किस्म की पाई जाती है इंडिया में वो बहुत आला है। तो मैं इंडिया को समझूंगा कि वो अगर 100 में से अगर मुझे नंबर देने पड़े, हो सकता है कि मैं अभी भी गलती कर रहा हूँ 8-10 की, लेकिन 80 तो कम अज़ कम है, मैं समझूंगा कि वो वहाँ पर खड़ा हुआ। अगर चल ये समझो कि अगर 100 में से 100 में अगर अमेरिका को दूँ, अमेरिका के इंस्टीट्यूशंस को दूँ, जहाँ पे आप देखते हैं कि हर साल ज़्यादातर नोबेल प्राइजेज़ वहाँ के होते हैं, तो इंडिया को मैं उस वक्त 80 के करीब रखूँगा। शायद बहुत से मेरे हिंदुस्तानी दोस्त जो हैं वो इससे इत्तेफाक ना करें, लेकिन मेरा यह ख्याल है। पाकिस्तान को मैं 10 से ज़्यादा नहीं दूँगा, 10 से ज़्यादा नहीं। यहाँ पे एक भी ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं है जो वहाँ के किसी
बी या सी क्लास यूनिवर्सिटी से भी कंपेयर कर सके, नहीं है। और यहाँ पे जो ख़ास तौर पे जो अंदाज अपनाया गया 2002 के बाद, जब यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन को HGC बनाया गया और हमारे यहाँ एजुकेशन का एक्सपेंशन हुआ, 22 यूनिवर्सिटियों से बढ़ के अब 250 यूनिवर्सिटियाँ हो चुकी हैं या 225 यूनिवर्सिटियाँ हो चुकी हैं, इसने जितनी डाइल्यूशन की है हायर एजुकेशन में और जितना लोगों को गलत तासुर दिया है कि हायर एजुकेशन क्या होती है, रिसर्च क्या होती है, पब्लिकेशन क्या होती है, और जितनी किस्म की बेईमानियाँ इन्होंने फ़रोग दी हैं, एकेडमिक बेईमानियाँ इस मुल्क के अंदर, वो उनके बारे में तो वो अल्फाज वही हैं, अल अमान अल हफीज़, कि आप परेशान हैं कि आप कैसे इस तूफ़ान को, इस सैलाब को रोकेंगे, बेईमानियों का, बददियानती का और लो क्वालिटी का, जिसमें आपके पास के PhD जो हैं वो जगह जगह से निकल रहे हैं, ऐसे PhD हैं कि उनकी अपनी थीसिस के टाइटल के अंदर अगर कोई लफ्ज़ लिखा हुआ है उसका मतलब उनसे पूछ रहे तो उनको नहीं, कोई टर्मिनोलॉजी लिखी हुई है उनसे मतलब पूछें तो उनको मालूम नहीं होता। ऐसे ऐसे हमारे पास प्रोफेसर हैं कि जिनके साल में 50 पेपर शायद उनके छप जाते हैं या 100 पेपर छप जाते हैं साल में, और उनसे वो घबराते हैं किसी जगह जाकर सेमिनार देने से, इस वजह से कि सेमिनार जब होता है उनसे सवाल पूछे जाते हैं, उनके पास सवाल नहीं होते, पेपर बहुत हैं उनके। ये बेईमानियाँ बहुत बड़ी हैं, यहाँ पर इसने हमारे यहाँ के हायर एजुकेशन सिस्टम को तहस नहस करके रख दिया है। अच्छा सर, एक और इस सिलसिले में मुल्क है, एशिया ही का मुल्क है, इसराइल। उसका अगर आप विकिपीडिया पे जाके, इस पे गूगल पे जाके लिखें इजरायली इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज, तो हैरान हो जाता है आदमी कि वो 9 मिलियन का मुल्क है और सारे जो इस्लामी मुल्क हैं 45 के करीब, उनकी इन्वेंशंस जो हैं इसराइल की, इन सब मुल्कों से ज़्यादा हैं। तो इस्लामी मुल्कों में कौन से मुल्क हैं जो सबसे एडवांस्ड हैं साइंस और टेक्नोलॉजी में? मेरे ख्याल में आजकल तो तुर्की है जो बेहतर है, मगर तुर्की में भी हालात अब बहुत तब्दील हो रहे हैं। अर्दवान के आने के बाद से वहाँ पे तब्दीलियाँ बहुत गलत सिमत में हुई हैं, वैसी ही जैसे हमारे यहाँ हुई मुशर्रफ के दौर में। इस वजह से हो सकता है कि आइंदा दहाइयों के बाद तुर्क जो हैं वो उसी तरह अपने रंजो अलम का इजहार करें जैसे हम कर रहे हैं आजकल। लेकिन अभी तक इस वक्त जो है सूरत हाल है वो ये है कि इस वक्त हम तुर्की को कहेंगे कि वो नहीं, सॉरी मैं फिर गलती कर गया, ईरान सबसे अच्छा है, उसके बाद तुर्की है। ईरान सबसे अच्छा है, ईरानी स्टूडेंट्स की बड़ी कदर है बाहर, जो ईरानी रह गए हैं, जो बाहर नहीं भागे रह गए हैं उस मुल्क के अंदर, वो वहाँ पे अपने तालिब इल्मों को इतना अच्छा पढ़ाते हैं कि वो बहुत तैयार होके वहाँ पहुँचते हैं। जब तैयार होके वहाँ पहुँचते हैं तो उनके 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 आगे के तमाम रास्ते खुलते चले जाते हैं, उनकी तहकीक है वो। तो इस वजह से ईरान बेहतर है, उसके बाद तुर्की है। मैंने ऐसा सुना है कि ईरान में एक यूनिवर्सिटी है शरीफ यूनिवर्सिटी, उसका मायार जो है बहुत आला है साइंस और टेक्नोलॉजी के लिहाज से भी और बाकी एजुकेशन के लिहाज से भी। हाँ, ये बात एक आध यूनिवर्सिटी की नहीं है, मुझे वैसे पूरी तरह ईरान के बारे में इल्म नहीं कि कहाँ कहाँ और बेहतर हैं, लेकिन शरीफ के बारे में यकीन हम यही सुनते हैं। और जब हम ईरान में उन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाने वाले फैकल्टीज़ को हम देखते ना, फैकल्टी मेम्बर्स को, तो हमें ये अंदाज़ा होता है कि वो कितने काबिल लोग वहाँ बैठे हुए हैं जो पढ़ाते अच्छा अपने तालिब इल्मों को। आप सर जबकि जब जी सॉरी हाँ आप सर 2004 में इंडिया गए थे, वैसे भी आप बाखबर आदमी हैं, तो इंडियन मुसलमानों के लिहाज से क्या कहेंगे कि उनकी कैसी कंडीशन है, तालीम में कैसे हैं वो, कैसे फील करते हैं वो? ये बताना बड़ा मुश्किल है। ये जो हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है और उसमें मौके सबको मिलते हैं, मौके जिस चीज को मिल गए और अच्छे इंस्टीट्यूशंस में वो चले गए तो वहाँ वो बहुत अच्छा करते हैं। हिंदुस्तान के बहुत से साइंसदानों के नाम बड़े मशहूर हैं, वो मुसलमान साइंसदान बाहर के मुल्कों में भी उनकी बड़ी कदर मंजिलत है। लेकिन
वो इतने ज़्यादा नहीं हैं, कम हैं लेकिन फिर भी हैं। असल में बात यह है वो ये कि हिंदुस्तान में जो मुसलमान हैं उन्होंने अपने आप पर एक तारी किया हुआ है, मेरे माफ़ कीजिएगा मेरा हलक में गड़बड़ हो रही है, तारी किया हुआ है अपने ऊपर एक परसिक्यूशन कॉम्प्लेक्स, और वो समझते ये हैं कि वो परसिक्यूट किए जाते हैं। हमारे अपने पाकिस्तान में भी बहुत से जगहें ऐसी हैं जहाँ पे परसिक्यूशन कॉम्प्लेक्स ने उन माशरों को तबाह किया है, मैं उसके बारे में भी आपको बता दूंगा। ख़ास तौर पे तालीम के मैदान में बड़ा उन्होंने नुकसान उठाया है। परसिक्यूशन कॉम्प्लेक्स एक बहुत गलत चीज़ है। हम पूरे बहैसियत कौम, पूरा मुल्क परसिक्यूशन कॉम्प्लेक्स का शिकार रहता है, हर वक्त अपनी खामियों को बाहर कहीं किसी न किसी को तलाश करके कहते हैं कि उसने हमें परसिक्यूट किया, उसने हमें नुकसान पहुँचाया, फलाना फलाना ढिमकाना, और अपनी खामियों पर नज़रें नहीं जाती और अपने आप को ठीक करने की तरफ कोशिशें नहीं होती। तो ये जो वहाँ का अमूमी रवैया जो मुसलमानों का वहाँ पे है वो ये है, परसिक्यूशन कॉम्प्लेक्स, और उसकी वजह से उनके अंदर एक गेटोइजेशन हुई है, गेटोज मेंटेलिटी जो है उनकी बनी है, गेटो मेंटेलिटी बनी है उनकी, जिसके अंदर वो आपस में वहीं के वहीं मिलजुल के रहते हैं और अपनी उसी ख़राब हालत के अंदर ही एक दूसरे के साथ रहते हैं, निकल के बढ़ चढ़ के आगे निकल के अपने आप को बेहतर बनाने की या अपनी उन कम्युनिटीज को मिलजुल के। मैं ऐड कर दूं जो आपने बात की ना, आपने परसिक्यूशन कॉम्प्लेक्स की, तो आई टोटली एग्री विद यू, क्योंकि हमारे यहाँ आप उर्दू अखबार अगर आप देखें ना तो हर चीज को साजिश की नज़र से एक्सप्लेन किया जाता है, गोया बाकी जो दुनिया है उनको और कोई काम नहीं है, वो मुसलमानों और पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें ही करते रहते हैं, हम अपना कभी मुहासबा नहीं करते, कभी ये नहीं देखते कि कोई हमने भी गलती की है, हम सारी जो अपनी गलतियां हैं ना जिसको कहते हैं ना एक्सटर्नलाइज कर देते हैं कि वो सब बाहर वालों का कसूर है, हमारा कोई कसूर नहीं है, अनफॉर्चुनेटली ये रवैया है। जी बिल्कुल सही है, और मैं पाकिस्तान के माशरे की बात कर रहा था कि जहाँ का एक माशरा है जिसे देख कर मुझे बहुत अफसोस होता है कि उसके अंदर एक परसिक्यूशन कॉम्प्लेक्स पैदा हुआ है, और वो परसिक्यूशन कॉम्प्लेक्स का शिकार माशरा जो है वो सिंध का है। सिंध में न सिर्फ महाजर परसिक्यूशन कॉम्प्लेक्स का शिकार हैं बल्कि जो सिंधी हैं वो भी, शायद लोग बहुत पाकिस्तान में लोगों को यह मालूम ना हो, लेकिन मैं चूँकि उससे गुजर चुका हूँ, मैं सिंध में पढ़ चुका हूँ, लिहाजा मुझे ये बात मालूम है कि एक ज़माना था कि सिंध का मैट्रिक पाकिस्तान में सबसे हाई स्टैंडर्ड का होता था। जब कोई सिंध का कोई मैट्रिक वहाँ से पास नहीं कर सकता था तो वो ट्रेन पकड़ के पंजाब आके इम्तिहान दे के पास करके चला जाता था। तो ये जो 11 साल की मैट्रिक थी, जब आप उस ज़माने में उन नौजवानों से मिले कि जो मैट्रिक पास करके आए होते थे वहाँ से, फर अंग्रेज़ी बोल रहे होते थे, उनकी बाकी तमाम सलाहियतें जितनी होती हैं वो सब उनकी बहुत अच्छी थी, उनके एक्सप्रेशन बहुत अच्छे थे, ताज्जुब होता था कि इतने वेल प्रिपेयर्ड वो लोग हैं, और फिर किसी वक्त उनके अंदर एक परसिक्यूशन कॉम्प्लेक्स पैदा हो गया जो ज़बान के मसले पे हुआ, और उसके बाद से उन्होंने सबकी नज़रें जो थी वो कोटा पे लग गई कि कोटे के ज़रिए से, कोटे में हमें कोई नौकरियाँ मिल जाए, कोटे में हमें कुछ और मिल जाए, उससे बाहर वो नहीं निकल पाया और अब तक उसी के अंदर फंसे हुए हैं। वहाँ के बहुत अच्छे बहुत बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स हैं, मैं उनका इतराफ़ करता हूँ, मैं सिंध के बहुत बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स का मैं इतराफ़ करता हूँ कि बहुत अच्छे अजहान के लोग हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन अमूमी तौर पर मैं कायद आज़म यूनिवर्सिटी में पढ़ाता रहा, आप पढ़ते रहे वहाँ पर, आपको मालूम है कि वो फेडरल यूनिवर्सिटी है, उस फेडरल यूनिवर्सिटी में हर जगह के लोगों की को दाखिला दिया जाता है, और कोटे मुकर्रर हैं उनके, तो सिंध का भी एक कोटा है, उसके अंदर वहाँ से स्कूल्स आते हैं। जब वो वहाँ से आए होते हैं तो वो बहुत उनके अंदर एक जूम होता है कि जी हमने वहाँ पे न सिर्फ ये कि फर्स्ट डिवीज़न ली है बल्कि पोजीशन भी ली है, और यहाँ आके 2 हफ्तों के अंदर अंदर उनके चेहरों पर हवाइयाँ उड़ती हैं कि हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ क्या पढ़ाया जा रहा है, और उसके बाद वो बहुत स्ट्रगल करते हैं, उनमें से उन लोगों की मैं बहुत तारीफ़ करता हूँ जो स्ट्रगल करते हुए बाद में दे गेट थ्रू एंड दे डू वेल,
लेकिन अक्सर उनमें से ऐसे भी हैं कि जो बाद में दरमियान में रह जाते हैं, जो 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 एक्चुअली बाद में उसका डिप्रेशन का शिकार भी हो जाते हैं इस वजह से कि वो दे कैन नॉट कीप अप विद देयर स्टडीज। ये जो खास जो मैं अपना तजुर्बा बता रहा हूँ कायदे आज़म यूनिवर्सिटी का, ये निचोड़ है उस चीज़ का कि सिंध की एजुकेशन कैसी है। वहाँ पे जो आपकी एजुकेशन जो है वो तबाह बर्बाद करके रख दी है सिंध के लोगों ने। मैं ऐसे वज़ीरों को जानता हूँ वहाँ के जो वज़ीर एजुकेशन के होते थे कि उनके पास लिस्ट रखी होती थी कि ये हमारी वजारत के अंदर अगर आपको कोई चीज़ चाहिए तो उसने उसके किस किस के कितने कितने पैसे होंगे, वज़ीर के लिए इतने लाख रुपए, इसके लिए इतने हज़ार रुपए, इसके लिए इतने सौ रुपए, इसके लिए ये उनके पास लिस्ट रखी होती थी उनके पास। और ये ऐसा करप्शन, ऐसी चीज़ें जो जिनकी मिसाल और जगहों पे पाकिस्तान में नहीं मिलती। इसके बरखिलाफ केपी के लोगों ने ऐसा कभी नहीं किया। केपी के लोग जब हम जब 1970s के अर्ली 70s के अंदर केपी के स्टूडेंट्स आते थे तो बहुत कमज़ोर होते थे अपने बैकग्राउंड में, बड़ी मेहनत करनी पड़ती थी उनको। लेकिन 80s तक पहुँचते पहुँचते 90s तक पहुँचते पहुँचते दे केम एक्सट्रीमली वेल प्रिपेयर्ड टू द यूनिवर्सिटी एंड दे डिड वेरी वेल आफ्टर दैट। वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा पढ़ने के लिए बाहर गए हुए हैं। ये एक बहुत बड़ा तजाद है हमारे पास केपी और सिंध का। ये सोशोलॉजिकल सोशोलॉजिस्ट को इसको इनको स्टडी करने की ज़रूरत है ये क्या चीज़ है। तो थैंक यू वेरी मच सर, बहुत आपने फिक्र अंगेज़ बातें की और मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। इसी के साथ मैं आपसे और अपने व्यूअर्स से इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।